बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शव्वाल में जो रोज़ा रखते हैं, यानी ईद का जो महीना होता है, यानी रमज़ान के महीने के बाद जो रोज़ा रखा जाता है, 6 रोज़े रखते हैं, उसकी फजीलत क्या है, उसका तरीक़ा क्या है, पूरी डिटेल्स के साथ एक एक जुज़ आपके सामने इस वीडियो में हल करूँगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो शव्वाल और ईदुल्फ़ित्र के फ़ज़ाइल व अहकाम मुफ्ती रिजवान साहब की किताब है, सफ़ा नंबर 408 पे पूरी तफसील से मौजूद है, आप देख सकते हैं। नंबर 1, हदीस में आता है, मन सौमा सित्तत अय्यामिन बादल फित्री कान तमाम सना, यानी इसका तर्जमा यह है कि इब्न माजा शरीफ की रिवायत है, ये हदीस नंबर 1715 है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई आदमी ये 6 रोज़े रख लेता है और रमज़ान का भी रोज़ा रखा रहता है, तो ऐसी सूरत में उसको पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब मिल जाता है। पूरी तफसील है इसमें, एक क्यों मिलता है एक अलग बात है, क्योंकि असल में वो वजह बताऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मुख्तसर इतना याद रखें कि एक अगर आप नेकी करते हैं उसका सवाब जो है आपको कम से कम 10 मिलता है एक नेकी के बदले में, ठीक है। अगर आप एक रोज़ा रखते हैं तो 10 रोज़ा, तो इस एतबार से आपने रमज़ान का रोज़ा रखा है तो लिहाजा पूरे जो है 30 दिन का रोज़ा, अगर 29 दिन का रोज़ा हो तब भी आपको 30 दिन के रोज़े का सवाब मिलता है। इस एतबार से 30 दिन का रोज़ा हो गया तो आपको कितने दिन का रोज़ा का सवाब मिला, 300 दिन का, और ये 6 दिन अगर आप और रोज़ा रख लेते हैं तो 60 दिन और हो गए, 360 दिन के रोज़े, मुकम्मल 1 साल के रोज़े हो गए, अगर ये आप 30 रोज़े रमज़ान के और ये 6 रोज़े रख लेते हैं तब जाकर ये सवाब आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखें, ये रोज़े जो हैं ईद के अगले दिन से फौरन रखना ज़रूरी नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ईद, क्योंकि ईद का दिन जो है रोज़ा रखना हराम है, उस दिन रोज़ा होता ही नहीं है, गुनाह कबीरा है रोज़ा रखना, इजाज़त ही बिल्कुल इजाज़त नहीं है ईद के दिन रोज़ा रखने की। लेकिन हाँ, ईद के अगले दिन से आप रोज़ा रखना चाहेंगे रख सकते हैं, लेकिन ये जो 6 रोज़े हैं, लोग ये समझते हैं कि ईद के अगले दिन से रोज़ा रखना ज़रूरी है, अगर उसके अगले दिन से रोज़ा नहीं रखेंगे तो हमारा रोज़ा नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत बात है। आप पूरे महीने में, शव्वाल के महीने में, ईद के पूरे महीने में आप जिस दिन भी चाहेंगे रोज़ा शुरू कर सकते हैं, अगले दिन से रोज़ा शुरू करना ईद के ये ज़रूरी नहीं है। और उसके साथ ये भी याद रखें, ये जो 6 रोज़े रखेंगे मुसलसल रखना, लगातार रखना, ये भी ज़रूरी नहीं, पूरे महीने में आप जिस दिन भी चाहेंगे, आज एक आपकी मर्जी हुई आज एक रोज़ा रख लेता हूँ, रख लिया है कोई बात नहीं, जुमे के दिन भी रोज़ा रख सकते हैं, ये रोज़ा जुमे में भी रखने में कोई हर्ज नहीं, आम दिनों में मतलब उसी महीने में आप किसी भी दिन एक रोज़ एक दिन रोज़ा रखा आपने जुमा के दिन, फिर आपने 2-3 दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद एक दिन और रोज़ा रख लिया, इस तरह करते करते पूरे महीने में आपने 6 रोज़े रख लिए हैं तब भी ये फजीलत आपको मिल जाएगी। ये बताना चाहता हूँ, लगातार मुसलसल ये रोज़ा रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अलग अलग करके छोड़ छोड़ के भी रख सकते हैं। और नंबर 3, अगर आपके ज़िम्मे कज़ा रोज़े हों, आपका रोज़ा किसी वजह से छूट गया था, बीमार थे, मुसाफिर थे, या फिर जो है औरत हैज़ निफास की हालत में थी, या किसी मजबूरी की वजह से आपका रोज़ा छूट गया था, या कुछ ऐसे काम पेश आ गए थे, उज़्र पेश आ गए थे जिससे आपका रोज़ा फासिद हो गया था, ऐसी सूरत में आप पहले वो रोज़ा रख लीजिए जो आपका कज़ा रोज़ा है, फिर बाद में ये रोज़ा रखिएगा। क्यों? इसलिए कि कयामत में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने शव्वाल का रोज़ा क्यों नहीं रखा, आपको ये पूछा जाएगा रमज़ान का रोज़ा क्यों नहीं रखा, ये सवाल होगा आपसे, क्योंकि वो रोज़ा फ़र्ज़ है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप शव्वाल के रोज़े से पहले पहले ये कज़ा रोज़े रख लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है उस महीने में तो फिर आप ये शव्वाल के रोज़े रखिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कज़ा रोज़ा होने के बावजूद वो कज़ा रोज़ा नहीं रखता है या नहीं रखती है और ये शव्वाल के रोज़े रख लेती है, तब भी उसका शव्वाल का रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन बेहतर वही है जो मैंने बताया है। और नंबर 4, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो रोज़ा है ये ज़कात का रोज़ा है, ज़कात का नाम देते हैं, सरासर जहालत है, रोज़े का ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं, यानी ये कहना कि ये शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं ज़कात के रोज़े हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह कुछ लोग ये करते हैं कि जब ये 6 रोज़े रख लेते हैं उसके बाद फिर ईद मनाते हैं, कुछ हजरात तो ये जो असल ईद है इसे मनाते ही नहीं है, 6 रोज़े के बाद ही मनाते हैं, वो तो इनसे बड़े जाहिल निकलते हैं। पता चला कि ये बिल्कुल गलत है, ईद तो 2 ही ईद है, ईदुल फितर और ईदुल अजहा, इस 6 रोज़े के बाद फिर ईद कहाँ से आ गई शरीयत में,
लिहाजा ये ईद मनाना सरासर जहालत और मनगढ़ंत है, शरीयत में इजाफा है, बिदअत है, इजाज़त नहीं है इस तरह ईद मनाने की। और उसके साथ नंबर 5, ये रोज़ा मर्दों के लिए भी है औरतों के लिए भी है, दोनों रख सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी तफसील आ जाएगी औरतों के बारे में। और नंबर 6, ये रोज़ा वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब है, रखेंगे तो ये फजीलत मिल जाएगी, अगर नहीं रखेंगे तो ठीक है आपको सवाब नहीं मिला, अगर रखते हैं इतनी बड़ी फजीलत, पूरे साल रोज़ा रखने का सवाब मिल रहा है, मत छोड़िएगा, बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए। उसके साथ साथ नंबर 7, अगर कोई औरत रोज़ा रख रही है तो अब ये देखिए, औरत कुंवारी है या शादीशुदा है, और कुंवारी भी रोज़ा रख सकती है, शादीशुदा भी रख सकती है, इसी तरह मर्दों में भी यही है, कोई भी शादी नहीं हुई है तब भी मर्द रोज़ा रख सकता है, कोई बात नहीं, शादीशुदा है तब भी रोज़ा रख सकता है। यहाँ पर औरतों में ज़रा तफसील है, अगर कुंवारी है तो कोई बात नहीं है, रोज़ा रख ले कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर शादीशुदा है और शौहर घर पर मौजूद है, अब रोज़ा रखने के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है, शौहर की इजाज़त के बगैर अगर वो रोज़ा रखेगी तो सख्त मुजरिम हो, इसीलिए जायज़ ही नहीं है शौहर के जो है शौहर की इजाज़त के बगैर ये नफल रोज़े या मसनून रोज़े मुस्तहब रोज़े रखना, शौहर की इजाज़त लेकर रोज़ा रखें। हाँ, अगर शौहर घर पर नहीं है, कहीं दूर रहता है, दूर ही है, बाहर मुल्क में है, आपके पास फ़िलहाल है ही नहीं, और आने का भी उसका मतलब जो है वक्त भी नहीं है, वो आएगा भी नहीं, ऐसी सूरत में आप उसकी इजाज़त के बगैर भी रोज़ा रख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि रोज़ा रखने का जो मना कर किया जाता था उसकी वजह ये थी कि शौहर को हो सकता है किसी वक्त तकाजा हो जाए और बीवी रोज़े में हो, अगर शौहर जिमा कर लेगा रोज़ा टूट जाएगा, इसीलिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी कही जाती थी, लेकिन यहाँ शौहर है ही नहीं तो फिर वो तकाजे की बात ही नहीं है, रोज़ा रख सकती है, कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर शौहर इजाज़त दे देता है कि रोज़ा रखो कोई बात नहीं, अब उसके बाद शौहर मना नहीं कर सकता, इजाज़त देने के बाद अपनी बात से फिर नहीं सकता, लौट अपनी बात से रुजू नहीं कर सकता है। ये जो है शव्वाल के रोज़े के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स के साथ तफसील के साथ मसला आपके सामने जिक्र किया है, आपको समझाने की कोशिश की है। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।